पहलवानों ने छोड़ी कुर्सी, उधर संजय सिंह पर चल गया सरकार का चाबुक। पहलवान ने पद्मश्री जमीन पर रखा तो भूचाल आ गया। साक्षी मलिक के आंसुओं के सैलाब में बह गया WFI का अध्यक्ष। चार दिन पहले लगाया गया था पोस्टर, दबदबा कायम है, वो चार दिन में ही उखड़ गया। न दबदबा रहा न दबदबा वाला पोस्टर, छीन ली गई अध्यक्ष की कुर्सी। हाथ लगा बस बाबा जी का ठुल्लू। चार दिन पहले WHI का अध्यक्ष बनते ही दबदबा वाले जो पोस्टर लगाए गए थे वो चंद मिनटों में ही चटनी बन गए। उखाड़ कर फेंक दिया गया उन्हें और छीन ली गई संजय सिंह की कुर्सी, जिसके दम पर वो अपना दबदबा दिखा रहे थे। साक्षी मलिक ने रो रो कर कुश्ती किसान अपने जूतों को समर्पण कर दिया तो बजरंग पुनिया ने पद्मश्री के सम्मान को सड़क पर रख दिया। चार दिन में ही बवंडर आ गया और भारत के इन खिलाड़ियों के आगे राजनीति के ठेकेदारों की गाड़ी का पहिया पंचर हो गया और गाड़ी कुर्सी से सीधा जमीन पर आ गई, क्योंकि केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नव निर्वाचित संस्था को निलंबित कर दिया है और इस फैसले के बाद अब संजय सिंह WFI के अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे। आपको बता दें कि संजय सिंह हाल ही में WFI के अध्यक्ष चुने गए थे, उन्हें चुनाव में 40 वोट मिले। WFI के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह के अध्यक्ष बनते इस वर्ष के अंत से पहले नंदनी नगर गोंडा में U15 और U20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा की गई और माना जा रहा है कि इस वजह से ही सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। WFI के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह के अध्यक्ष बनते ही इस वर्ष के अंत से पहले नंदनी नगर गोंडा में U15 और U20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा की गई थी और माना जा रहा है कि इस वजह से ही सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की घोषणा जल्दीबाजी में की गई और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, खेल मंत्रालय ने हवाला दिया कि नवनिर्वाचित निकाय के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने 21 दिसंबर को घोषणा की कि जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। मंत्रालय ने इस पर कहा है कि कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष का यह फैसला नियमों के खिलाफ है और क्योंकि इस तरह के फैसले लेने में कम से कम 10 दिन पहले पहलवानों को जानकारी दी जाती है ताकि वे अपनी तैयारी कर सकें। खेल मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के निर्णय कार्यकारी समिति द्वारा लिए जा सकते हैं, जिसके समक्ष एजेंडा को विचार के लिए रखा जाना आवश्यक होता है। इतना ही नहीं, बैठक के लिए 15 दिन पहले ये नोटिस देना अनिवार्य होता है। यहाँ तक कि आपातकालीन बैठक के लिए भी न्यूनतम नोटिस आमदर 7 दिनों की होती है। खेल मंत्रालय ने यह भी पाया कि नव निर्वाचित निकाय पूरी तरीके से पिछड़े पदाधिकारियों के नियंत्रण में प्रतीत होता है, जिनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि नवनिर्वाचित निकाय खेल संहिता पूरी तरीके से अनदेखी करते हुए पदाधिकारियों के नियंत्रण में है। बयान में आगे ये भी कहा गया कि फेडरेशन का कामकाज पूर्व पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित लोगों से चलाया जा रहा है। पूर्व पदाधिकारियों पर पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा है और वर्तमान में अदालत इस मामले पर सुनवाई कर रही है। गौरतलब है कि संजय सिंह के कुश्ती संघ अध्यक्ष बनते ही ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने संन्यास का ऐलान करते हुए कहा कि संजय सिंह ब्रजभूषण सिंह के करीबी हैं और इसलिए नई कुश्ती निकाय की न्याय उम्मीद उनसे करना बेकार है। आपको बता दें कि साक्षी मलिक उन पहलवानों में से एक हैं जिन्होंने ब्रजभूषण पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। साक्षी के संन्यास की घोषणा के बाद ओलंपिक के विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने भी पद्मश्री सम्मान लौटा कर वापस कर दिया। संजय सिंह को कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी माना जाता है। संजय सिंह गुरुवार को चुनाव में अध्यक्ष पद पर काबिज हुए थे। उनके पैनल ने 15 में से 13 पदों पर जीत दर्ज करके अपनी भूमिका निभाई थी। खैर, अब संजय सिंह की कुर्सी छीन ली गई है। ऐसे में इस कार्रवाई को कुश्ती संघ के पहलवानों की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।